ही हूँ। सो एक और ब्यूटीफुल सा लोकेशन हमने एक्सप्लोर किया है बैंगलोर से अराउंड 100 किलोमीटर्स की दूरी पर। सो दिस इज बिली गुंडलू। आइए चलिए इससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी, रूट, और हम यहाँ आज खाना वाना कुक करने वाले हैं तो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आप बोटमैन को जो हायर करोगे पूरा हमने पे क्या किया है, कहाँ खाना, कैसे, मतलब कैसे है ये जगह बेसिकली फॉर अ डे आउटिंग, आई विल बी शेयरिंग दैट विथ यू। सो आइए बिना लेट किए आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बिग आउटलेट ऑफ आडियार आनंद भवन ए टू बी आई हूँ। फटाफट यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, निकलेंगे, आगे से ही टर्न लेना है। ऑलमोस्ट होसुर के टॉल के 2 किलोमीटर्स पहले ये आपको ए टू बी का आउटलेट मिलता है। तो चलिए फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे की जर्नी के लिए कंटिन्यू करेंगे। सो चलिए मस्त वाला ब्रेकफास्ट हो गया हैवी सा और अब निकलते हैं टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। ये देखिए दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ लैंडमार्क और अति बेले के लिए जो हम टर्न ले रहे हैं और ये लेफ्ट हमने ले लिया है। इस लाइन में भी काफी सारे रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं। सो नाश्ता ब्रेकफास्ट इधर ही करके निकलने से अच्छा रहेगा। सो हम लोग आज जो रूट बिली गुंडलू जाने के लिए फॉलो करने वाले हैं ना वो आपका मतलब हम लोग डेंगानी कोटाई होते हुए जाएंगे, राया कोटाई डेंगानी कोटाई, एंड इट्स अ डिफरेंट रूट। जनरली जो ये जगह है ना कुछ 7 किलोमीटर्स अवे है होगेनाकल से। हम पहली बार एक्सप्लोर करने वाले हैं और जाएंगे टू बिली गुंडलू। सो यस वी आर एक्सप्लोरिंग दिस रूट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे कि कौन कौन सा एग्जिट्स और कौन कौन से मतलब रोड रूट कैसा है, सभी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, है ना। तमिलनाडु लिमिट स्टार्ट्स हियर और ये देखिए हम तमिलनाडु में एंटर कर रहे हैं। रुक जा बेटा, थोड़े दूर के लिए रोड खराब था बट नाउ इट्स बेटर और आगे तो ठीक दिख रहा है। विवान हाउ आर यू और कहाँ जा रहा है आज? बोटिंग। ओके हाँ बोटिंग नहीं, पैडल वाला बोट नहीं है बेटा, वो अंकल चलाएंगे, वो जो राउंड राउंड कोराकल बोट होता है ना वो वाला बोट रहेगा। ठीक है विवान, ओके। ब्रेकफास्ट क्या किया तुम? इडली सांभर। हाँ सामने डेंगानी कोटाई का मार्केट है जो क्रॉस हो रहा है। हम डेंगानी कोटाई एंटर कर चुके हैं और यहाँ से ना टोटल डिस्टेंस हमारा अराउंड 54 किलोमीटर्स का बाकी है। टाइम्स टाइम 12:30 का दिखा रहा है, NH588 है ये और रोड तो अमेजिंग दिख रहा है। बस कुछ 100-200 मीटर्स के लिए खराब मिला था, नहीं तो रोड बहुत अच्छा है। धर्मपुरी 75 किलोमीटर, अंचेट्टी इज द नेक्स्ट बिग प्लेस दैट विल बी क्रॉसिंग। सो 23 किलोमीटर्स पे अंचेट्टी आएगा। चिट्टू रिसेंटली जो टाइगर स्पॉट हुए हैं 2 ठो वो कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही स्पॉट हुए हैं। नहीं सीरियसली मतलब दिस इज स्कैरी और वो ना 50 इयर्स के बाद ये कावेरी वाइल्ड लाइफ में मतलब टाइगर स्पॉट हुए हैं। टाइगर्स का नंबर्स अभी बढ़ता जा रहा है ना और देखिए उतना डीप फॉरेस्ट तो नहीं है, आप न्यूज पे भी चेक कर सकते हो। रिसेंटली इसी एरिया में 2 टाइगर एंटर किए हैं ऑफ लेट, अभी तक पकड़े भी नहीं है अभी फॉरेस्ट ऑफिसर्स उनको, घूम रहे होंगे कहीं ना कहीं। पकड़ेंगे क्यों,
लेकिन ये फॉरेस्ट रीजन में तो अच्छा पकड़ेंगे, तो बस एक मॉनिटर करता है दूर से। अच्छा अच्छा, कि मतलब होना नहीं चाहिए बस। लेकिन ये अच्छा लग रहा है फॉरेस्ट रीजन ना, पूरा डीप फॉरेस्ट है, अच्छा खासा डीप फॉरेस्ट है। डेंजरस कर्व अहेड, गो स्लो। ये देखिए एलिफेंट क्रॉसिंग का, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग जोन का आ गया है, तो थोड़ा केयरफुल हमें अब रहने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रॉपर फॉरेस्ट है और थोड़ा आराम से यहाँ से चलना पड़ेगा। वो बहुत सारे मंकीज, सी विवान, रोहन मंकी, मंकी विवान के बेस्ट फ्रेंड है ना विवान। अरे कार, फ्यू हेयर पिन बेंड्स यहाँ पे दिख रहा है, 2-3 हेयर पिन बेंड्स बैक टू बैक, और सोचे यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करेंगे, बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली व्हीकल को स्टॉप करना मना लिखा हुआ है, प्रॉपर फॉरेस्ट जोन है। तो आप भी आ रहे हो अपने कार या बाइक से, तो प्लीज रोड के बीच में बिल्कुल मत रुकिएगा। आजकल वाइल्ड लाइफ का एकदम मतलब वो लोग रोड पे ही आ जा रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। और ये खाली खाली रोड देख के और ये फॉरेस्ट का ड्राइव, नथिंग कैन बीट दिस। गुंडलू बोटिंग पॉइंट स्ट्रेट। बिली गुंडलू बोटिंग और फिशिंग पॉइंट करके हमने जीपीएस में डाला है और हम वहीं जा रहे हैं। 10 किलोमीटर पहले हमने ये 50 रुपीज का चेक पोस्ट, कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का चेक पोस्ट था, वहां पे 50 रुपीज इन्होंने चार्ज किया है हमसे और रिसीट भी दिया है उसका। एंड यस, अनदर से 20-25 मिनट्स में हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। बहुत सीनिक लोकेशन है, मस्त वाला लोकेशन है। आइए चलिए देखते हैं। रोड्स बहुत नैरो हैं यार, घाट रोड्स हैं, तो आपको बहुत बहुत केयरफुली ड्राइव करने की जरूरत है ना। सो हम लोग फाइनली एंट्री पॉइंट जो बिली गुंडलू बोटिंग का है वहां तक पहुंच गए हैं, और यहां से थोड़ी सी ऑफ रोडिंग दिख रही है हमें। सो ये 30 रुपीज का भी इन्होंने टिकट हमें दिया, और ये 50 रुपीज का है जो पहले वो कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ था, हाँ, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ में एंट्री का है। और फिलहाल हमारा ये ऑफ रोडिंग जारी है, ज्यादा देर के लिए नहीं है, 1 किलोमीटर के लिए है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा गाड़ी में। मतलब इट्स अ ये रोड कच्चा रोड है लेकिन ठीक है। आज देखते धीरज बाबू क्या क्या सरप्राइज और धमाका प्लान करके रखे हैं। स्पॉट पे पहुंचने में पता चलेगा कितना एग्जीक्यूट हो सकता है। स्नैप स्नैप क्रोकोडाइल है बोला। हाँ, तो तब तब आपका पानी में घुसना कैंसिल मिस्टर डी। देखो यहाँ पे भी होटल है। ये देखिए हम लोग कुछ यहाँ पहुंच गए हैं। सामने में जो ये नीले रंग का दिख रहा है वो कावेरी नदी, और उसके किनारे पे हम बैठेंगे। लोकेशन पर आ चुके हैं और अच्छा सा व्यू दिख रहा है यहाँ। ऑब्वियसली देखिए क्या होता है, जैसे हो गए नाकल वगैरह ना, आपको थोड़ा हो सकता है क्राउडेड लगे, तो आप अगर अपने से कुछ खाना वाना बना के एक अच्छा सा समय स्पेंड करना चाहते हो तो दिस प्लेस कैन बी वॉन्डर्स। आपको पीछे में पानी दिख रही होगी, अभी पानी का लेवल भी उतना ऊपर नहीं है। आइए चलिए आपको एक क्लोजअप व्यू देते हैं। हम पहुँच चुके हैं यहाँ, और ये जो 108 किलोमीटर है ना, तो हमें कुछ अराउंड
धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं, एज यू वुड बी नोइंग। तो 3 to 4 hours लगा यहाँ पहुँचने के लिए, एंड यस दैट्स व्हाट। चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे। हमारा सारा सामान यहाँ आज लोड हो चुका है। ठीक है, आज का क्या विशेष प्रबंध है बताइए। आज हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लेस क्राउडेड जगह पे आए हैं। यस, और देखते हैं हो गए नकल का मतलब लेस क्राउडेड वर्जन आप बोल सकते हो ना। हो गए नकल यहाँ इसके से कम्प्लीटली अलग है। So, ये ऑर्बिट लोकेशन है, वहाँ का अपना मजा है। हाँ, obviously, obviously, नहीं है और पिकनिक स्पॉट है। हाँ, एंड इट्स क्लीन, मतलब डर्टी नहीं है कि कपड़े वपड़े गंदगी और वो सब नहीं है ना। नहीं, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और देखिए हमारे सामने अथाह नदी और गहरा है भाई, और ये कावेरी माँ है। हाँ, कावेरी अम्मा। तो दिस पार्ट इज तमिलनाडु, और क्रॉस कर लीजिएगा आप इस नदिया को तो इधर आ जाएंगे कर्नाटका में। सो ये जो वायर देख रहे हैं इतने ऊपर तक पानी आ जाता है, डेंजर जोन में बोल रहे हैं ना कि जून वून जो मंथ होता है ना ये पूरा पानी में रहता है। एंड वो जो आपको रेड बोर्ड दिख रहा है ना वहाँ दूर पे देखिए, वो सारा उसी के लिए मार्क करने के लिए दिया गया है। डेप्थ इज अराउंड 100 feet, नदी का जो डेप्थ है ना अभी जहाँ हम लोग हैं तो वो कुछ 100 feet है। और वो देखिए भारत सरकार केंद्रीय जल आयोग। जो हमने डिसाइड किया है यहीं पे बैठकर खाना वाना बनाएंगे और फटाफट बना के खा के थोड़े नदी में मजे करेंगे। डस्टबिन बैग के लिए कैरी कर लिए हैं ताकि सब वेस्ट इसमें आ जाए। अच्छा खासा साइज का है, बड़ा साइज का है। एंड मिस्टर डी के लगे हुए हैं मस्त प्याज काटने में। आज मिस्टर डी के खिलाने वाले हैं कटहल, जो कि हमारा वेजिटेरियन लोगों का चिकन है क्या मिस्टर डी के? यस, चिकन वेज लोगों के लिए वही चिकन वाला फील दिलाता है हमारा वेजिटेरियन चिकन। सो ये हमारा आज का सेटअप है। देखिए ये पेड़ अच्छा है, साफ सुथरा एरिया है, बस वो प्लांट का ही कुछ कुछ पत्ता वत्ता गिरा हुआ है, डस्ट कम उड़ेगा यहाँ पे। और ये हमने तेल डाल दिया है। कटहल स्पेशलिस्ट है तो सत्तू का लिट्टी और कटहल ये मिस्टर डीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हवा काफी चल रहा है, दैट्स द ओनली चैलेंज आई कैन सी, नहीं तो बाकी सब तो मस्त हमारा जगह हो गया है। देखिए मैट वैट वहाँ अन्ना हेल्प कर दिए हैं। ये देखिए ये रहा हमारा जैकफ्रूट, हम घर से कट करके लाए थे क्योंकि इसको कट करने में टाइम लगता है। और मिस्टर डी के आज पूरा एक्टिव है, एकदम बनाने में लगे हुए हैं। ये मौका बार बार मिलेगा किनारा। और एग्जैक्टली दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। एंड धनिया है, गरम मसाला, हाँ दिख रहा है सबका कलर अलग अलग दिख रहा है मिस्टर डी के। मम्मी पापा देखो मम्मा
लग रहा है आज मजा आने वाला है। आई कांट वेट टू ईट दिस मस्त वाला कटहल का सब्जी। मसाला वसाला प्रिपेयर करके ले आए थे ना, तो एग्जीक्यूशन में भी ज्यादा टाइम नहीं लगा। इट्स ऑलमोस्ट रेडी, फटाफट सेट करते हैं और इसके बाद भात भी खा देंगे। ओके, सो सिर्फ प्लेन राइस, घी राइस, घी राइस, ओके, घी राइस, ओके। सेंट तो गजब का आ रहा मिस्टर डी के। और पीछे का इस अमेजिंग व्यू के साथ आज ये एक कटहल की सब्जी सैलेड और है ना ब्यूटीफुल सा व्यू। मजा आ रहा है खा के। ये ब्यूटीफुल सा रिवर सामने में, साफ सुथरा जगह और ये कटहल का सब्जी, सिंपली वाओ। बढ़िया बना ऑब्वियसली। मेन सीजने का डर लग रहा था जो कि सीज गया अच्छा से। हाँ, मतलब सीजना अच्छे से चाहिए कटहल की सब्जी में, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अभिमान सिंह को देखो। अमेजिंग बना है। मच मोर ब्यूटिफुल इज क्राउडेड नहीं है, क्लीनलीनेस है। आप आराम से किसी भी पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा कोराकल का राइड एंजॉय कर लीजिए, थोड़ा सा नदी को एंजॉय कर लीजिए, है ना। खूबसूरत से पेड़ और पेड़ के छाया के नीचे ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, है ना। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। प्लान था कि कहीं उधर बैठकर हम खाएंगे या फिर बनाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि उधर ना कुछ लोग ऑलरेडी थोड़ा ड्रिंक करके और मतलब हो हल्ला मचा रहे थे, तो हमने उधर का प्लान डिच कर दिया एंड वी केम दिस साइड। अन्ना भी फुल टाइम हमारे साथ थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ किसी भी तरह का, तो आराम से मतलब कर लिया हमने। आइए चलिए प्राइस वगैरह के डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। स्टडी के कैसे कैसे प्लान किया आपने और कितना पे किया एक बार बता दीजिए प्राइस के बारे में। अच्छा हाँ, तो प्राइस इसका वही विदाउट वेटिंग का 2000 बता रहे थे। 2000 रुपीज विदाउट वेटिंग, मतलब हम लोग के साथ जैसे ना वेट के चले जाएंगे। ओके, यहाँ सिग्नल रिस्क वही है ना कि सिग्नल यहाँ पे नहीं है। हाँ, तो दोबारा अगर फोन नहीं लगा तो वेट ही करते रह जाइएगा। हाँ, इसलिए हम लोग वो सोचे साथ वाला ही ले लेते हैं, प्लस एक अच्छा लगता है, सिक्योरिटी फील होता है। हाँ, साथ हाँ, रहने पे। हाँ, तो 500 का डिस्काउंट अन्ना दिए, तो 2500 में विथ वेटिंग था अराउंड 3 आवर्स। और टाइम हो चुका है कुछ 4 के आसपास, और कहते हैं ना 4 बजे के बाद यहाँ पे थोड़े वाइल्ड एनिमल्स की मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। एलिफेंट वगैरह, बाइसन वगैरह, एलिफेंट्स आते हैं इधर, पानी वानी पीने आते हैं, वाइल्ड लाइफ थोड़ा दिखता है। सो
चार बजे कोशिश करके निकल जाइएगा यहाँ से, तो बेटर रहेगा दिन के दिन, मतलब इस एरिया से आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि फिर उसे दो फायदे होते हैं, वाइल्ड लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं एंड मतलब आपका भी एक सेफ्टी बना रहता है ना। सो यस वी आर लिविंग एट 4 एंड चलिए चलते हैं, यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। बहुत खूबसूरत सा एक्सपीरियंस था ये, मज़ा आ गया। लग रही है एंड राउंड पर ना नेम और फोन नंबर। हां 888 45 941 ओके थैंक्स अन्ना सुपर। नेम नेम ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರಾಜೇಶ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಿಳಿಗುಂಡು ಬಿಳಿಗುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಏಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಶಾಪ್ ಪೇ ಆಯ ಹೇ ನಿಂಬೂ ವಗೈರಾ ರಖಾ ಹುವಾ ದಿಖಾ ಥಾ ತೋ ಆಂಟಿ ಕೆ ಪಾಸ್ ಥೋಡಾ ಲೆಮನ್ ವಾಟರ್ ವಗೈರಾ ಕಾ ಯಹಾಂ ಪೇ ಸೆಟಪ್ ಹೈ ಕಾಫಿ ಗರ್ಮಿ ಹೈ ತೋ ಸೋಚಾ ಏಕ ಲೆಮನ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೈ ಕರ್ ಲೇತೆ ಹೈ सो निकल रहे हैं हम अब बिलीगुंडलू से। टाइम कुछ अराउंड 4:32 हो चुका है। क्विक फ्यू टिप्स, बहुत ज्यादा आपको यहाँ रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे तो खाना वगैरह का प्लान करके आइएगा। कोराकल वालों से अच्छे से नेगोशिएट कीजिएगा, हो सकता है ज्यादा कोट करें। कैश सफिशिएंट कैरी कीजिएगा, पेट्रोल भरवा कर आइएगा और नदी में ज्यादा अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा डीप है और कहते हैं क्रोकोडाइल्स भी रहते हैं, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस, है ना। तो काफी देर से ड्राइव कर रहे थे, क्विक ब्रेक के लिए रुके हैं, इधर से ही आ रहे हैं और कुछ अराउंड 50 किलोमीटर्स में घर पहुंच जाएंगे। डिंकानी कोटाई क्रॉस हो चुका है, सोचा एक क्विक सा ब्रेक ले लेते हैं, तो यहाँ एक छोटू सा आउटलेट था, चाय वाय पियेंगे फिर यहाँ से निकलते हैं। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो हमारा अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हम ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग बनाते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय।